1, 2 and 3। ये कितने अच्छे से गुटक रहा है उसके ऊपर, देखिए कितने तेज, बहुत हैवी है यार ये, देख लीजिए इसके आगे का फुग्गा, देख लीजिए कितने फूल रहा है। 1, 2 and 3। यहाँ पे मैं लकी पिजन्स को भी खोल दिया है और ये देख लीजिए कि ये हाथ में ही नहीं आता था मेरे, और ये खोलता हूँ मैं गेट, देख लीजिए दौड़ा रहा है यार, ये हमारे जोड़ा लगा हुआ है, ये देख लीजिए माशाल्लाह, ये देख लीजिए मुर्गी बुला रही है अपने बच्चों को, किस तरह की आवाज़ कर रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप और आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। तो यार आज है ना, देख लीजिए हमारे कबूतरों के लिए हमने रखा हुआ है दाना, कितना अच्छा दाना है ये, इसमें हमने बहुत चीज़ें मिक्स की हुई हैं, देख लीजिए कितना अच्छा दाना है। और हमारे कबूतर भी यहाँ पे देख लीजिए कितने बेताब हैं इसको खाने के लिए, तो मैंने ये दाना रखा हुआ है यहाँ पे। और मुर्गियों के लिए ये दाना देख लीजिए, ये रहा मुर्गियों का दाना, इसके अंदर है मक्का और कोई सी दाल है और गेहूँ के दाने हैं। तो ये हमारे मिक्स दाना है मुर्गियों के लिए, मुर्गी के बच्चों के लिए, इनके लिए मिक्स दाना है, और हमारे कबूतरों के लिए रोटी और यही मक्का मक्का ये सब है। तो यार देख लीजिए कबूतर कितने बेताब हैं यार, और अभी मैंने कुछ खोले नहीं है, जिसके पर खुले हैं बस वही वाले बाहर रह गए थे, तो ये वही हैं। और आज पानी भी देख लीजिए यार, मौसम हल्का हल्का सा यार हो रहा है, तो पानी का भी कुछ नहीं कह सकते यार। तो चलिए हम क्या करते हैं इन्हें, आप जल्दी जल्दी से खोलते हैं इन पिजन को, ये वाले को, तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ पूरे पिजन्स खोलता हूँ और फिर हमारी बतख को हम छोड़ के आते हैं, फिर हमारे मुर्गियों को भी हम दाना डालना है। तो चलिए जल्दी से पहले पिजन्स खोलते हैं। तो यार देख लीजिए इसके अंदर ही खाना शुरू हो गया मुर्गी के दाने के अंदर ही, तो इसे बहुत तेज भूख लग रही है लगता है। तो चलिए इन्हें भी खोल देता हूँ मैं यहाँ से, अभी देखना कितनी जल्दी बाहर आएंगे। 1, 2 and 3। ये देख लीजिए कितनी जल्दी बाहर आ गए हैं यार, इन्हें लगता है बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इन्हें लगता है बाहर आने के लिए ज़्यादा बेताब थे, इसलिए भी खोल देता हूँ मैं। इनका जोड़ लग चुका है माशाल्लाह, ये भी जल्दी अंडे दे देंगे। देखिए इन्हें कितना सारा नेस्टिंग मटेरियल इकट्ठा करके रखा है, आपको दिखाता हूँ मैं इसको हटा के, ये देख लीजिए माशाल्लाह नेस्टिंग मटेरियल भी इन्हें अच्छा इकट्ठा करके रख लिया, अभी जल्दी से अंडे दे देंगे। तो इन्हें मैं थोड़ा दिन बाहर छोड़ूंगा जिससे मीटिंग मीटिंग कर सके। तो देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारा कबूतर साथ में, और इसका एक अंडा, इसके अंडे में से भी लगता है बच्चा निकलने ही वाला है कुछ दिनों बाद। तो देख लीजिए, अरे इसने तो मुर्गियों के दाने में अटैक कर दिया यार। तो चलिए इन दाना डालते हैं हम जल्दी से, नहीं तो ये पूरा मुर्गी का दाना ख़त्म कर देंगे। आया आ आ आया आओ आया आओ 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 ले ले ले, अरे ये इसके अंदर ही खा रहा है यार। चलो चलो हम मुर्गी को भी डाल देते हैं यार, बेचारे मुर्गा मुर्गियों को। तो यहाँ से डालते हैं हम मुर्गा मुर्गियों को दाना, और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा अंधेरा रहता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कितना उजाला है। और ये देख लीजिए इनको भी हम डालते हैं अब ये वाला दाना, जिससे ये खुश हो जाए। आया आ आ, ये देख ली मुर्गी बुला रही है अपने बच्चों को, किस तरह की आवाज़ कर रही है। और यार टांग टूटा भी यार थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, तो ये देख लीजिए, ये देख किस तरह की आवाज़ निकालती है मुर्गी, मुर्गी को आप नोटिस कीजिए। ये देख लीजिए मैंने डाल दिया दाना, और अभी थोड़ा सा दाना बचा लेते हैं, जब जैसे ये ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम ये दाना और डाल देंगे थोड़ा बहुत। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने दाना डाल दिया है, इन्हें अब दाना खाने देता हूँ जब तक। तो यार यहाँ पे देख लीजिए हमारा कबूतर फिर से आया, आके दाना खाने लगा यहाँ पे, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ही दाना डाल देता हूँ। आओ आओ ले ले ले, ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने दाना डाल दिया है, और ये अच्छे से खाने लगे अपना दाना, देख लीजिए बिल्कुल कितने मज़े से खा रहे हैं यहाँ ये दाना यहाँ पे। और ये दोनों तो यार यहाँ पे लो आया, इन्हें ये वाला दाना अच्छा लग रहा है, तो इन्हें हम ये वाला दाना डाल देते हैं। आ हाँ ये लो देख लीजिए, फीमेल तो आ चुकी है, और हाँ बाकी सारे कबूतर भी यहाँ पे आ चुके हैं अपना दाना खाने। और इनके यार पानी भी मैं भर देता हूँ इसके अंदर, लो लो पानी मैंने इसके अंदर भर दिया है, अब पानी भी सारे कबूतर आके पी लेंगे। तो देख लीजिए जब तक ये दाना खा रहे हैं, और हमारा बतख यहाँ पे बंद है, चलिए इस बतख को उठाते हैं और नीचे छोड़ते हैं। आपको पता है हम बतख को नीचे कैसे छोड़ते हैं, तो इसको पकड़ लिया मैंने, तो चलिए नीचे छोड़ते हैं इसे। ये रहा हमारा बतख देख लीजिए, और हम छोड़ते हैं इसे यहाँ से। 1, 2 and 3। ये देख लीजिए वो जाके गिर चुका है पानी के अंदर, नहाएगा अब, ये देख लीजिए किस तरह से नहा रहा है, ये इसी तरह से नहाता है रोज़ के रोज़। मैं इसे यहीं से छोड़ता हूँ, और इसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से, और इसे पानी में भी छोड़ देते यार कोई मसला नहीं रहता है, क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं ज़्यादातर।
और ये देख लीजिए हमारी मुर्गा मुर्गी, ये देख लीजिए हमारा मुर्गा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और पानी की वजह से यार मैंने इनके अंदर कुछ बोरियाँ ढांक दी थी ऊपर, और अभी भी हल्का हल्का पानी गिर रहा था इन्हें, इसलिए मैं बाहर नहीं छोड़ रहा हूँ, अंदर ही है। और इन्हें अंदर ही दाना रखता हूँ अभी, क्योंकि यार ये बाहर इन्हें बहुत अच्छा लगता है दाना खाना। और ये फीमेल भी अपने अंदर जा चुकी है घर के, देख लीजिए अपने अंडे को इनक्यूबेट करने। और यहाँ पर देख लीजिए दाना माना सारे कबूतर खा रहे हैं हमारे। और लेकिन यार आज मैंने एक चीज़ तो भूल ही गया, सारे कबूतर आपको नज़र आ रहे होंगे लेकिन एक चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो उसको भी हम जल्दी से छोड़ देते हैं। हमारे लकी पिजन्स को हम भूल ही गए थे आज, देख लीजिए यहाँ पर मैं लकी पिजन्स को भी खोल दिया है। और ये देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं, तो इन्हें भी अब दाना डालता हूँ मैं फिर से, क्योंकि इनने अभी बिल्कुल भी दाना नहीं खाया है। ये देख लीजिए ये खुश हो गए हैं दाना खा के। और हमारे मुर्गा मुर्गियों को भी देख लेते हैं हम, हाँ वो तो अच्छे से दाना खा रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देख लीजिए। लेकिन इनका पानी नहीं भरा हुआ है, तो चलिए इनके भी पानी भर देता हूँ मैं। आया देख लीजिए पानी भर दिया है, और ये पानी पीने लगे हैं अपने माँ के साथ, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये साथ में, तो देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं, पानी पी रहे हैं अपना। और यहाँ पे कबूतर तो यार माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देख लीजिए कितने अच्छे लगते हैं प्यारे। और वाइट वाला मुर्गा यार हमारा रोज़ के रोज़ नीचे भाग जाता है। और ये देख लीजिए हमारा एक मुर्गा आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत ही प्यारा मुर्गा है यार माशाल्लाह ज़रूर बोलना, जो मैंने आपको वीडियो में लगभग नहीं दिखाया क्योंकि हाथ में ही नहीं आता था मेरे। और ये खोलता हूँ मैं गेट, और ये देख लीजिए असील हमारा ये देख लीजिए ये पकड़ा गया है माशाल्लाह। आप देख लीजिए इसकी हेल्थ हाइट देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है यार ये, तो इसे यार मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ पे छोड़ के आपको दिखाता हूँ नीचे ही बिल्कुल ज़मीन पे, तो इधर पे छोड़ता हूँ मैं। ये देख लीजिए माशाल्लाह इसकी खड़ान देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है यार ये, पहले छोटा सा था मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं था, लेकिन इसके अब न्यू बाल आ रहे हैं ना, देख लीजिए कितना अच्छा कलरिंग आ रही है इसके ऊपर एक नंबर। और वाइट वाला मुर्गा यार इसे बुला रहा है क्योंकि ये दोनों साथ में घूमते हैं, शायद यहीं कहीं होगा वो मुर्गा, आवाज़ तो यहीं से आई थी लेकिन पता नहीं कहाँ गया वो। और इस मुर्गे को देख लीजिए यार बहुत ही प्यारा मुर्गा निकला है, और ये लगभग असील के जैसा है, इसकी टांगें देख लीजिए कितनी लंबी लंबी है। और ये हमेशा गुस्से में रहता है हर किसी मुर्गे के ऊपर झूम जाता है, देख लीजिए कैसा खड़ा हुआ है ये मुर्गा। और हल्की हल्की आपको बारिश नज़र आ रही होगी शायद कैमरे के अंदर, देख लीजिए इसलिए ये मुर्गा मुर्गी को नीचे नहीं कर रहा हूँ, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि इसके यार ऊपर से कूदता तो पैर में लग जाती है। और ये देख लीजिए इस दौड़ा रहा है यार, ये हमारे जोड़ा लगा हुआ है, ये देख लीजिए माशाल्लाह ये कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। और ये इसे दौड़ाना भी शुरू कर दिया है, अभी जल्दी से जल्दी अंडे दे देगी मुझे लग रहा है। और जो हमारा बच्चा निकला हुआ था, इनने निकाला हुआ था, जो इनका बच्चा था देख लीजिए इनका बच्चा था, और इस फीमेल का अंडा यार यहाँ पर होना चाहिए, बस सही है। तो इनका बच्चा था मतलब अंडा था, तो हमने इनके नीचे रख दिया था, ये वाली मेल के नीचे और इस फीमेल के नीचे, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बच्चा पाला है, और लगभग वो शिराजियों की तरह निकला है, तो मुझे तो शिराजी की तरह लग रहा है। उसको यार मैं कल दिखाऊंगा, कल की वीडियो में दिखाऊंगा उस बच्चे को, तो बहुत ही प्यारा बच्चा निकला है। तो जल्दी से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आपको पता होगा, अगर आपने कभी वीडियो बनाई होगी तो देख लीजिए, और YouTube पे अपलोड करने में भी बहुत ही मेहनत लगती है। और ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, चलो 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 चलो, इसी तरह से यार हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम इसी तरह से यार और जानवर लाते जाएंगे, मेरा तो यार बहुत ही आगे जाने का ख्वाब है, मतलब इन जानवरों को लेके मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ मैं, लाना चाहता हूँ, लेकिन यार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सेटअप का हो रहा है अभी, नहीं तो हम ले आते अब तक, तो यार देख लीजिए सेटअप बन रहा है, तो धीरे धीरे ही होता है सब काम यार, एकदम नहीं होता है आपको पता है। तो देख लीजिए कितने अच्छे से दाना वाना खा रहे हैं, और वो मुर्गा वहीं पर रहेगा, इधर पर नहीं आएगा क्योंकि इधर मुर्गी हैं, इसके पास ही रहता है वो। तो देख लीजिए सब यार पिजन अपना अपना दाना वाना खा के यहाँ गुडकने मुडकने अपने अपने घर में जाने लगे हैं, बाजी भी यार लगता है अंडे देगा जल्दी, अब देख लीजिए अपने धड़बे में जाके यार वो बैठने लगा है अपने घोंसले में। और इनके बच्चे का यार अभी तक पता नहीं चला है, लगता है कौआ खा गया होगा, उन्हें उस दिन यहाँ से कौआ आया होगा तो कौआ ले गया होगा। तो देख लीजिए हमारे पूरे पिजन तो यार दाना वाना खा लिया है अपना। और ये वाला यार मेल आपको कौन सा लगता है, इसकी छोटी चोंच है आपको दिखाता हूँ मैं क्लियर करके यार, बिल्कुल अगर दिख जाएगा तो,
ये देख लीजिए इसकी छोटी चोंच है, वो कितना प्यारा लगता है। इसका ही बच्चा है वो निकला हुआ है, वो आप कल, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा उसकी ग्रोथ। तो यार बहुत अच्छी ग्रोथ लगता है, कल तक और ग्रोथ हो जाए उसकी। और आप मुझे ये वाला मेल बताइएगा, ये कौन सी वेराइटी का, मतलब कौन सी नस्ल का है। देख लीजिए ये मेल माशाल्लाह से गुटकान तो बहुत अच्छी, मतलब देना कितने अच्छे से गुटक रहा है उसके ऊपर, देखिए कितने तेज़, बहुत हैवी है यार ये। देख लीजिए इसके आगे का फुग्गा, देख लीजिए कितने फूल रहा है ये, देख लीजिए ये बहुत ही हैवी है यार। देख लीजिए वो दड़बे में ले जाने लगी है उसे। और ये वाला यार पता नहीं इस दड़बे में क्यों जा रहा है मुर्गे के, इसमें तो हम बड़े कबूतर रखेंगे जो अभी हम लाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी लाएंगे, बारिश ख़त्म हो जाए थोड़ी सी। तो देख लीजिए कितना अच्छा कबूतर है यार ये, आप मुझे बताइएगा कौन सा कबूतर है ये, आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार ये पकड़ाता नहीं है। तो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे तो, देख लीजिए। और ये गुटकता ही बहुत तेज़ है सबके ऊपर, देख लीजिए मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है आपको, गुटकता ही सबके ऊपर है लगभग। कौन सा कबूतर मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। और ये वाला कबूतर कौन सा है ये ही मुझे बताइएगा कमेंट में, ये सब आपको बताना है मुझे। और जल्दी से क्या करता हूँ अब मैं इन्हें थोड़ा देर घूमने देता हूँ अपने हाल पे। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।